मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ है, इतना बैड सीन। बहुत थोड़े से कटे हैं, बहुत थोड़े से कटे हैं। आज ही जुहान भी हमारे साथ जा रहे हैं। मेरा साथ नमाज वगैरह पढ़ी है, उसके बाद बच्चों को रेडी किया है। तो आज ही मैंने आयमा दानी के बाल कटवाने थे। इतने ज्यादा आयमा के बाल लंबे हुए थे, वो तो कर लिए हैं तो ऊपर तक हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आयमा के बाल कटवाए थे तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होगी थी और वो बहुत हेल्दी होगी थी। माशाल्लाह, रेडी हो गई हो? ओए होए, कैप शैप, चलो आ जाओ। आज बाल कटने लगे हैं मेरी मानो के। जुहान को भी लेती आओ। आज ही जुहान भी हमारे साथ जा रहा है सलोन। सलोन वाली सारी कहती है आप ही, आप जुहान को नहीं लेके आती, तो हमने कहा जुहान को भी लेके चलते हैं। चलो आयमा दानी, लेट्स गो। चलो चलो। अच्छा जी, फाइनली जो है ना, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं सलोन। आयमा की कटिंग कराते हैं, देखते हैं आयमा दानी की कितने। आयमा यहाँ तक कट करा दे? क्यूँ नहीं? नहीं बता दो, करा लेते हैं। बेबी कट तो बेबी कट तो सबसे छोटा होता जानी। और जुहान का भी मसाज वगैरह करवा देते हैं। आज जुहान, चलो आज। अभी जो है ना आयमा जाने की कटिंग कराते हैं। कल कहती है मामा कटिंग कराओ कटिंग कराओ, अभी रो रही है कि क्यों करवा रही हो। आयमा भाग के आ जाओ जल्दी से, कटिंग कराने आए हैं। ठीक है आयमा, कितने कितने कट कराने? इससे पहले खुद नहीं आ रही, इसने खुद बताया है कि मुझे जो है ना मेरी बेबी कट कर दे। इतने 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 करा ले, बाबा जितने करा देते हैं। अच्छा अच्छा, चलो मेरी बेटी के बाबा जितने नहीं होंगे लेकिन अच्छे अच्छे काट देंगे। जुहान के भी कटवा लेते हैं यार, मैं कह रही हूँ कोई मेरे बेटे का भी मसाज हो जाए। यहाँ चेक करो, यही तो मेरी बेटी चाहती है कि बस जो है ना इसके बाल जो है ना इस तरह से। अब स्ट्रेट तो नहीं कराने ना आपने? कराने बस कर दो जानी। चलो देखो यार, जब हम आयमा जानी की करते हैं ना स्ट्रेट, तो यहाँ तक तो हाफ बैक जितने आते हैं बाल कर ली होगी, यहाँ तक हो जाता है यार। इतने इतना इतना कट करते हैं? हाँ इतना इतना कट करते हैं। चलो ठीक, ये इसके फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। कितने बता दो? कितने आप बता दो कितने? हाँ तो इतने ही कट करें, इतने मैंने कहा। ओके, यू लुक नाइस आयमा जानी। गुड 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 आयमा जानी, बहुत थोड़े से बाल आपके कटे हैं। ये देखो नीचे आ गए। नेक मूव नहीं करना, नेक नहीं करनी आयमा जानी, खराब हो जाएगा। आयमा जानी आपके बाल कट्टू कट्टू हो गए, वरना बाल खराब हो जाएंगे। कुछ अरसे के बाद, हफ्ते के बाद आयमा जानी की सेहत इतनी हेल्दी हो जाएगी, हाइट बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ जो है ना जो खाती है प्रोटीन वगैरह सारे बाल ले जाते हैं इसके, तो इसलिए कटिंग करवाई है मैंने इसकी। चलो चलो, वेट वेट वेट, नेक नेक डाउन, बस यहाँ पे हो गया, यहाँ तक आयमा के बाल हो गए। मैंने इसको खुद ही लेयर्स में नहीं कराया, मुझे स्ट्रेट पसंद आती है कटिंग आयमा जानी की। ठीक है, इस तरह से होता है कि जब हम लोग डाइटिंग करते हैं, सबसे पहले सब लोगों को ये शिकायत होती है जो हमारे बाल गिर गए हैं, बाल गिर गए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी में हमारे बालों को लगता है, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन डाइट। तो इसलिए मैं जब भी डाइटिंग करती हूँ मेरे बाल इसलिए ज्यादा नहीं गिरते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट को रखती हूँ। ठीक है, मतलब चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, इस तरह की चीजें आप खाओ, रोटी वगैरह आप ज्यादा ना खाओ तो फिर आपके बाल नहीं गिरेंगे। इसी तरह बच्चों के भी अगर हम कटिंग करवाते रहें तो फिर उनकी हाइट बड़ी होती है और वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि आयमा के तो बाल बहुत ज्यादा थिक हैं। वगैरह करवा के आई हूँ आयमा जानी की, और साग बन रहा है, आप चेक करो। ये देखो साग को तड़का लगाया यार, अभी किस किस का फेवरेट है साग यार। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी चावलों की रोटी खाई है या नहीं खाई? अगर खाई है तो मुझे बता दो, जितने भी सराइकी मेरे होंगे ना फॉलोअर्स उन सब ने तो खाई भी होगी, पता नहीं बाकी पंजाबियों ने खाई है या नहीं खाई। तो अभी जरा मैं जा रही थी अपनी मदर इन लॉ की तरफ, मेरे बच्चे वहां पे गए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा वो बहुत फिट चावलों की रोटी बनाती हैं, तो मैंने कहा मामा को कि वो चावलों की रोटी साग मैं लेके आती हूँ, आप चावलों की रोटी बना दें, क्योंकि यार मेरी मेट्स को भी नहीं आती बनानी, मुझे भी नहीं आती रोटी बनानी चावलों की। तो अभी जो ना हम लोग ये खाते हैं, खाएंगे वहाँ पे, देखते हैं कैसा बना है साग। मुझे एक बंदी ने कमेंट किया, हमारा क्या बात है आपकी, आपने व्लॉग में बता दिया कि मैं जुहान को क्या खिलाती हूँ ये वो, तो लोग जो है ना मेहमानों के सामने भी अपने बच्चों को खाना नहीं देते। पता है क्या बात है यार, मुझे सिर्फ आप लोगों से बहुत प्यार है, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, किसी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत न्यू मॉमीज़ हैं जिनके बच्चे जुहान से थोड़े से छोटे हैं या इस तरह,
तो किसी का फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। बाकी ये है कि मैं चार कुल पे बिलीव करती हूँ, आयतल कुर्सी पे बिलीव करती हूँ और नियत पे बिलीव करती हूँ। अगर आपकी नियत बहुत साफ है ना तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी महफूज रखता है और आपको भी, ठीक है। नो डाउट यूट्यूब पे जब मैं इतनी ऑफिशियल आके अपनी चीजें या अपनी ब्लेसिंग्स आप शो कराते हो तो नजर बहुत लगती है, नजर बरहक है। लेकिन अगर आप चार कुल पढ़ो, पांच वक्त की नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये कहूंगी कि जरूर नमाज नहीं छोड़नी किसी भी बंदे ने, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो जो नहीं करता, जो पढ़ता है तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी जी साग हमारा हो गया है, लेके चलते हैं, फरान नहा रहा है जब तक, उसके बाद ही हम चलते हैं वहां पर चिलड़े खाते हैं, चिलड़े। अच्छा जी, साग जो है ना मैं लेके जा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ की तरफ, थोड़ा पड़ गया था फरान को, मैंने कहा यार ऑनलाइन कुछ और मंगवा दो फरान, थोड़ा सा क्या कहते फरान आ ही नहीं रहा यार, यार साग वाला पीछे पड़ गया है, आ ही नहीं रहा यार, बहुत लेट कर दिया यार, मैंने चिलड़े खाने थे अभी, मैंने चिलड़े खाने हैं, बच्चे मेरे वहां पे गए हुए हैं कब से, वार्मर है ठीक है, इतना फिट है ये कोई हजार रुपए का, और इसमें तो चाय का मग भी हमारा गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाता है। और इसको हम ये देखें जहाँ पे हमारे फोन चार्ज होते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग फीडर रखेंगे, ये खुल जाता है फरान, जरा खोलना इसको, खोलो ये देखो, इसके अंदर हम फीडर रखेंगे और ये गर्म हो जाएगा। कैसा गर्म करता है, जाना है मरी जाना है कहीं पे भी जाना है तो हम लोग गाड़ी में ही दूध गर्म कर लेते हैं इसके अंदर, वार्मर। और ये आप लोग इसको किसी चार्जर में लगा के घर में भी यूज कर सकते हो, वैसे मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, अभी यहाँ पे गर्म कर लेते हैं फिर इसको डैशबोर्ड में रख लेंगे हम लोग निकाल के आराम से, ये देखो सुकून से यहाँ पे रख देंगे, जुहान का जब फीडर गर्म करना होता है फिर हम इसको निकाल लेते हैं। कमाल मेरी मदर इन लॉ बनाती है, नजर ना लग जाए, पहले की भी तारीफ के टूट गया था, चेक करो यार ये पतला पतला, जो सराई की मेरे फॉलोअर्स होंगे ना उन्होंने तो खाया हुआ होगा। मामा पंजाबियों ने खाया या नहीं, पंजाबी भी खाते हैं आप, खाते हैं हाँ। लाहौर में मिलता है यार, मामा आप जल्दी नहीं उतारेंगे ना ताकि ये टूटे ना, चेक करो यार ये सुराग जब ये बैक साइड से ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, प्रॉपर पक जाता है फिर इसको उतारेंगे, कमाल। सही बताओ साग कैसा, कौन सा वाला है, ये मेरे वाला है या कोई और है, कौन सा है पता नहीं कौन सा, ये चेक करो यार, अब ये टाइम लेता है कपने में, ये चेक करो, ओए कमाल, ये आप चेक करो, ऐसे ऐसे सराख होते हैं चावलों की रोटी और साथ खाने में जो मजा आता है ना, आउट क्लास। क्लियर है क्या, देखो या नहीं, हाँ जी, ये हमारा कैसा लगा, आउट क्लास, बहुत कमाल बना है, दो किस्म के साग है जो हमने बनाया वो कमाल है, यू है मोमा बहुत मजा मजा आ गया। मैं घर जा रही थी और यार मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ है, इतना बैड सीन हुआ है, ये चेक करो जो मेरा फेवरेट ग्लास था ना, फेवरेट ग्लास यार, इसका ऊपर वाला जो ग्लास था वो टूट गया और ये कवर है, तो अब मैंने जो है ना क्या कहते हैं फरहान को काम देखते अलफते पे क्या पता मिल जाए यार, मेरा बहुत जरूरी था। और ये एक मग जो है ना फरहान का इतना फेवरेट था, आजकल ये आए हुए हैं डबल वाले ना, इसमें चाय नजर आती है तो ये ट्रेंडिंग पे तो फरहान ने, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया फरहान के लिए, कैसे पीऊंगा, मेरी बेगम भी तो पी है, कैसे फरहान गर्लफ्रेंड क्या गर्लफ्रेंड देख लो यार, देख लो बीवी के सामने गर्लफ्रेंड की बात, तो ये जो ना आप देखो, ये जो ना फरहान ने कहा कि ऐसा मग देखते हैं अलफते में चल के सेम ऐसा मिल जाए, एक से मिलता जुलता, तो एक में मैं पीऊंगी एक में फरहान, यार इस बीबी को बंद करो ना, ये क्या हो गया, ये बंद, ओके। अच्छा जी मैं अभी आ गई हूँ यार, क्रॉकरी तो फर्स्ट पे थी, क्रॉकरी फर्स्ट पे है, नहीं अच्छा देखो फिर आओ, जो दोनों चीजें मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली यहाँ पे, अवेलेबल ही नहीं है भाई, वो मग कब तक आ जाएंगे, वो वाले 2-3 डेज में आ जाएंगे, बाकी तो आपकी सब ब्रांचेस पे हैं, ये ही नहीं है यहाँ पे ही नहीं है। आपको जो ना मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मुझे कोई चीज़ें मिली नहीं, जो मेरा ग्लास टूट गया था उसके साथ भी नहीं मिला और दूसरे वाला कप भी नहीं मिला, मैंने कहा 3-4 दिनों के बाद आएगा, खैर जो है ना मैं डिसहार्ट होगी घर वापस आ गई हूँ, फॉर यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू हो गया जी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन बंदा मुझे इतने फोकस से देख रहा है, ये जी वाला जुहान जी, मम्मू को बीवी मिता 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 मिता, ठीक है जी, चलें जी, होपफुली यू लाइक माय वीडियो, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।